नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, छोटी छोटी बूटी का बेहद खूबसूरत डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और इसे बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल में फंदे चाहिए, तो मैंने 12 फंदे डाले हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। ये हमारे डिज़ाइन का लाइन नहीं है, बल्कि ये फेस लाइन है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो सबसे पहले मिले। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हम दो लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन का लाइन नहीं है, बल्कि ये बेस लाइन है। तो हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो मैंने दूसरा कलर अटैच कर लिया है। ये हमारे डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम दो फंदा सीधा बुन लेंगे। एक और दो, दो फंदा सीधा बुनने के बाद ये हमने जो बेस लाइन दो लाइन बनाया था, तो देखिए एक और दो, दो लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा इसको ना हमको बहुत ढीला रखना है ना बहुत टाइट करना है ऐसे। उसके बाद दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, दो फंदा सीधा बुना, फिर दो लाइन नीचे आएंगे, एक और दो, और यहाँ से एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, फिर दो फंदा सीधा, फिर दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दो लाइन नीचे आएंगे, एक दो, एक लूप निकालेंगे और फिर दो फंदा सीधा। फिर देखिए दो फंदे ऐसे, एक दो, दो फंदा, दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे और लास्ट में दो फंदे बचे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। जो हमने लूप निकाला था उसे भी और फंदों को, सबको हमें उल्टा बुन लेना है। इस लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब दूसरे रंग के ऊन से दो लाइन बुनने के बाद अब फिर हमारा पहले रंग के ऊन से अब बुनेंगे। तो देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये जो हमारा लूप है, तो पहले इसमें हम सिलाई डालेंगे और ऐसे इन दोनों फंदों में हम एक साथ सिलाई डालेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। अब इस फंदे को हम बुनेंगे और फिर नेक्स्ट फंदे को बुनेंगे, और जो ये लूप था इसको उठाएंगे और इन दोनों के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। जो एक फंदा बढ़ा था वो यहाँ पे घट जाता है, जितने हमारे फंदे थे वापस उतने फंदे हो जाते हैं। तो फिर यही प्रोसेस हम दोहराएंगे। अब देखिए ये जो लूप है इसमें पहले सिलाई डालेंगे और फिर फंदे में सिलाई डालेंगे, दोनों को ऐसे पलट लेंगे। अब फंदे को पहले बुन लेंगे और नेक्स्ट फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब जो ये लूप था इसे उठाएंगे और इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। नेक्स्ट यही करेंगे, दो फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे, इनको ऐसे पलट लेंगे, फिर फंदे को बुनेंगे और फिर नेक्स्ट फंदे को भी बुन लेंगे। अब इसको उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे।
फंदा है जिस स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनाई करेंगे। तो पिछली बार हमने दो फंदे सीधा बुनने के बाद लूप निकाला था, तो अब की हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर यहाँ से हम लूप निकालेंगे। ऐसे ही दो लाइन नीचे, एक और दो, दो लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे। फिर देखिए ये जो डिज़ाइन बना था इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब की लूप हम इन दो जो डिज़ाइन बना था उसके बीच से निकाल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि डिज़ाइन अब दो डिज़ाइन के बीच में बनेगा। तो दो लाइन नीचे आएंगे हम और यहाँ से एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, फिर ये जो डिज़ाइन के दो फंदे हैं इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ से आएंगे एक दो, दो लाइन नीचे आके एक लूप निकालेंगे और फिर इन दो फंदों को सीधा लूप निकालेंगे, दो लाइन नीचे आके लूप निकालेंगे, फिर दो फंदों को सीधा बुनेंगे, दो लाइन नीचे आके लूप निकालेंगे, फिर दो फंदों को सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, आप चाहें तो यहाँ पे डिज़ाइन बना दीजिए या फिर सिर्फ सीधा ही बुन लीजिए और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुन, सॉरी सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब फिर हम ब्लैक कलर से बुनेंगे अपने प्राइमरी कलर से। तो देखिए ये लूप है, तो पहले लूप में सिलाई डालेंगे फिर फंदे में सिलाई डालेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे और इस लूप को उठाएंगे, इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। नेक्स्ट डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के स्वेटर में डालिए, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे आप लेडीज कार्डिगन बनाइए, चाहे जैकेट में डालिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।